भारत की ओर से टूटे चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने से एक ओर जहां अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चावल निर्यातक देशों ने इसकी कीमतों में प्रति टन $35 तक का इजाफा कर दिया है, वहीं निर्यात पर पाबंदी का असर घरेलू मंडियों में भी नजर आने लगा है। मिली जानकारी के मुताबिक देश की मंडियों में टूटे चावल की कीमतें प्रति क्विंटल 100 से 200 रुपए तक कम हो चुकी हैं। केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा और देश में सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए 9 सितंबर से टूटे चावल के निर्यात पर रोक लगा दी और चावल की कुछ किस्मों के निर्यात पर 20% शुल्क लगा दिया। व्यापारियों का कहना है कि निर्यात पर प्रतिबंध लगने से कीमतों में गिरावट आई है। वहीं मंडियों में धान की आवक भी कमजोर देखने को मिल रही है। 2021-22 में भारत ने विश्व के चावल बाजारों की करीब 40% जरूरत पूरी की थी। फसल वर्ष 2021-22 में देश में चावल का कुल उत्पादन करीब 13 करोड़ टन था। वहीं निर्यात शुल्क लगने से 59 लाख टन चावल और टूटे चावल पर प्रतिबंध लगने से 40 लाख टन चावल का निर्यात भारत से प्रतिबंधित हो चुका है। इससे 2022-23 में देश का चावल निर्यात 25% कम होने का अनुमान लगाया गया है। वहीं थाईलैंड ने टूटे चावल के दाम प्रति टन $2 तो वियतनाम ने प्रति टन $10 और पाकिस्तान के चावल विक्रेताओं ने प्रति टन भाव $35 तक बढ़ा दिए हैं। 20% निर्यात शुल्क गैर बासमती चावल के कुछ किस्मों के निर्यात पर केंद्र ने लगाया है। वहीं $35 प्रति टन तक की कीमतें निर्यातक देशों ने बढ़ा दी हैं और ये सब टूटे चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगने के बाद से देखने को मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।